नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा को तो ज्यादा गेस करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो फिर और किसी टॉपिक पर बात ही कैसे हो सकती है, इसी बारे में ही बात करनी पड़ेगी और इसी से रिलेटेड कुछ बात करनी पड़ेगी। अगर आप हम लोगों के प्रीवियस डेज में जाएं, जो भगवानों के समय में हमेशा औरतों का नाम पहले आया है, जैसे लक्ष्मी गणेश, जबकि लक्ष्मी उनकी पत्नी नहीं थी, फिर भी लक्ष्मी गणेश। फिर आपके क्या कहते हैं, राधा कृष्ण, कृष्ण राधा कोई नहीं बोलता, राधा कृष्ण ही बोला जाता है। तो औरतों का स्टेटस हमारी कम्युनिटी में था बहुत ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया और फिर जो नीचे गिरा तो फिर बहुत नीचे गिर गया। मैं तो कहूँगी थोड़ा बाहर का इन्फ्लुएंस, क्योंकि हम लोग का जब ब्रिटिशर्स का रूल आया तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ आईं, तो मैं तो हर चीज़ उसी को ब्लेम कर देती हूँ कि अगर हमारे ओरिजिनल सिस्टम से कुछ हटके हुआ है और ख़राब हुआ है तो वो तो फिर लगता है वेस्टर्नाइज, जिसे कहते हैं ना, जिसने हम पर राज किया उसकी गलती, क्योंकि उसने कोई चीज़ें ऐसी डाल दी हमारे अंदर कि जो सब पहले की सब चीज़ें थी सब ख़त्म सी हो गई। तो मैंने सोचा कि कैसे औरत होगी एम्पावर, क्या इसके लिए दुनिया को कुछ करना है, या इसके लिए आदमियों को कुछ करना है, या किसी और को। तो जवाब सोचने पे ये आया कि किसी और के करने से कुछ नहीं होगा, होगा तभी जब आपके औरत के खुद के मन में होगा कुछ करने का। ये तो मैंने देखा है अपनी निजी जिंदगी में भी और वैसे भी, कि हम बहुत सारी चीज़ें सहते और अवॉइड करते चलते हैं तब तक जब तक हम अपने आप के लिए एक्सक्यूज़ निकाल पाते हैं कि ये इसलिए हो रहा है और इसमें तो शायद मेरी ही गलती है और शायद मुझे ऐसा करना था और शायद ये और शायद वो, तब तक हम उस चीज़ को टॉलरेट करते हैं और चलती रहता है, वैसे ही कॉम्प्रोमाइज जीवन चलता रहता है कहीं भी किसी भी सिचुएशन में। जो आप रियलाइज करते हो जब आप ये कन्विंस हो जाते हो खुद अपने आप से, किसी और के कहने पे नहीं, खुद अपने आप से जब इस बात से कन्विंस हो जाते हो कि भाई ये जो पार्ट है ये गलत है, तब आप उसके लिए एक्शन लेते हो। मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत में ये क्षमता है। हाँ, रियलाइज होने में चीजें लेट होता है, सबका टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है, तो वो पॉसिबल है, पर ये ताकत, ये क्षमता सब औरतों में होती है। औरतें तो मेरे हिसाब से आदमियों से ज़्यादा तंदुरुस्त होती हैं। मैंने देखा है, आप कोई कपल देखिए, अगर कोई यंग कपल देखिए तो डेफिनेटली आदमी थोड़ा ज़्यादा तंदुरुस्त और बलवान दिखता है और काम करता हुआ नज़र आता है थोड़ा ज़्यादा, काम मतलब घर के नहीं, बाहर अगर निकले तो बाहर के वही देखभाल करना, चीज़ें उठा लेना, ये सब आदमी करता नज़र आता है, और औरत थोड़ी डेलिकेट दिखती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, अगर आप किसी ओल्ड कपल को देखें तो पता नहीं आदमी बड़ा ही फ्रिजाइल लगता है, औरतें लगती हैं इन कंट्रोल, इन कमांड, देखभाल करने वाली की वही हैं। कई बार नहीं होता, जैसे मेरे यहाँ घर में भी मुझे लगता था कि मेरे फादर, अगर मेरी मदर मेरे फादर से पहले चली जाती, ऐसा हुआ नहीं, फादर पहले गए, पर अगर मेरे फादर जिंदा होते और मदर ना होती तो फादर की तो हाय हाय हो जानी थी, क्योंकि उनके तो बस का कुछ भी नहीं। और वो ऐसे क्या होता है पता नहीं, आदमियों के साथ ये ज़्यादा होता है शायद, कि जब तक वो काम करते रहते हैं, जब तक पोजीशन इन कमांड होते हैं, तब तक वो बड़े ही दबंग टाइप दिखते हैं, पर जहाँ से जैसे ही उस पोजीशन से आदमी या तो रिटायर हो जाता है या चेंज हो जाती है वो पोजीशन या रिटंडेंसी या जो भी, उसके बाद आदमी बड़ा ही वीक और लाचार सा नज़र आने लगता है। लेकिन औरतें चाहे किसी भी सिचुएशन में हों, स्ट्रॉन्ग, इन कंट्रोल, इन कमांड ही नजर आती हैं हमेशा। और खास करके नोटिस करिएगा जो एल्डरली कपल्स हैं उनमें, आप देखिएगा जो साथ हैं उनको देखिएगा कि कौन लगता है कि ज्यादा ख्याल रख सकता है या कौन है जो कंट्रोल में लगता है। तो औरतों में वो सारी क्वालिटीज हैं जो चाहिए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, फिर भी वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती हैं, कारण उसके हजार, लेकिन फिर भी गुम हो जाती हैं। और बहुत सारा कारण उसका हम खुद औरतें ही होती हैं,
मैंने अपने पहले वीडियो में, जो पहले साल का था वुमेन एम्पावरमेंट का वीडियो, उसमें मैंने एक चीज बोली थी कि जब किसी औरत पे अत्याचार हो रहा होता है, यानी बहू या किसी की बेटी या पत्नी पे अत्याचार हो रहा होता है, अत्याचार या फिजिकल अब्यूज या व्हाटएवर, तो उस चीज को बढ़ावा देने के लिए एक और औरत खड़ी रहती है सास और ननद के रूप में, तभी तो इन चीजों को बढ़ावा मिलता है। जो अगर आप बच्चे को शुरू से ही रिस्पेक्ट करना सिखाएं औरतों की, जब आपका माएं जो हैं अगर अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करना सिखाएं, तो ये स्थिति नहीं होगी, ये गुंजाइश ही नहीं होगी, ये ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा कभी हो ही कहीं नहीं कि ऐसा टाइम आए कि वो अपनी वाइफ को मार रहा है, पीट रहा है। तो मेरे हिसाब से एक औरत तब एम्पावर्ड है जब वो गलत चीज के लिए आवाज उठाती है और अपनी जैसी दूसरी औरतों के लिए खड़ी होती है, क्रिटिसिज्म का कारण नहीं बनती। हम लोग क्या है, औरतें जो कहते हैं ना कि औरत ही औरत का सबसे बड़ा दुश्मन होती है, तो ये कुछ हद तक सच है। एक तो यही कारण है कि भाई सास और नंदे जो स्टेटस है उनका, वो तो है ही गजब, कुछ भी हो जाए बेटा कभी गलत ही नहीं होता, तो वो एक प्रॉब्लम तो है ही। और दूसरी क्या है कि हम खुद ही औरत को जज करते रहते हैं। अब जैसे नहीं है कि जैसे घरों में क्या होता है कि आप और सास और बहू सब साथ में रहते हैं, ठीक है, जेठ जेठानी सास बहू सब, सास अपने किस्से बताएगी कि भाई मेरी सास ने मुझे इतना परेशान किया या मेरी ननद मुझे इतना परेशान करती थी कि क्या बताएं, ये करती थी वो करती थी, आप उसके लिए दया दिखाओ सब कुछ करो। लेकिन ये नहीं होता है कि वो सास बदल गई हो, वो सास भी अपनी सासगिरी पे ही लगी है। तो जो बहू है घर की, उसको लगता है कि अच्छा आप इतनी तकलीफ में थे लेकिन आप में तो कोई बदलाव नहीं आया, आप तो वैसे ही हो, परेशान मुझे भी करते हो उतना ही जितना आपको किसी ने परेशान किया था। तो कहीं ऐसा है कि विशेष सर्कल टाइप का है, या पता नहीं शायद कोई भयंकर श्राप है औरतों पर कि हम एक दूसरे के साथ शांति से नहीं रह सकते, हम एक दूसरे को जज ही करते रहते हैं। जो अगर कोई औरत होगी जो डिवोर्स लेके बैठी होगी, तो हम तुरंत ही सोचते हैं कि अरे यार आजकल की औरतों को ना एडजस्ट करना नहीं आता, बड़ी जल्दी अलग होने की बात करती हैं, कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना, ऐसे थोड़े जीवन चलता है, ऐसे थोड़े परिवार बसते हैं, हम फटाफट जज कर लेते हैं। फिर ये कि हम चाहे अलग हों अपने पति से, हमने डिसीजन ले लिया हो कि भाई हमें साथ नहीं रहना, क्योंकि हमने जो महसूस किया अपने जीवन में, तो वो तो मेरे हिसाब से भैया हम जो अलग हुआ है वो तो अपने को सही समझता है, सोचता है अरे भाई मैंने जो डिसीजन लिया वो तो बहुत सही था क्योंकि मैं तो बहुत तकलीफ में स्थिति में थी। लेकिन अगर सामने वाला वो डिसीजन ले रहा है, तो हम उसे जज करने लगते हैं कि नहीं यार तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, तुम क्यों अलग होना चाहती हो। अरे ये हम कभी नहीं सोचते कि जो भी आदमी है वो जो सामने दिखा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही अंदर भी हो करके दरवाजों के पीछे। को एक चीज तो ध्यान रखें, ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी औरत ऐसी नहीं होगी जिसको मन होगा कि अपना घर उजाड़ दे, कि चलो भाई डिवोर्स करके अलग बैठते हैं, क्या करना है साथ रह के, ऐसी कोई भी नहीं होगी, कोई भी नहीं। क्योंकि सबको अपने जीवन में कंपेनियन चाहिए, सबको अपने जीवन में कंप्लीट परिवार चाहिए, कि हस्बैंड भी हो, सास भी हो, ननद भी हो, बच्चे भी हो, भांजे भांजियां भी हो, सब कोई, सब कुछ हो आसपास, सबको अच्छा लगता है। तो अगर ये डिसाइड किया है किसी औरत ने कि भाई अब बस, अब मैं नहीं रह सकती, तो फिर दूसरी औरतें उसको जज ना करें, उसके डिसीजन को जज ना करें, उसके डिसीजन को डाउट ना करें, उसकी सिचुएशन, उसकी पोजीशन को जज ना करें, और कोई भी अनुमान बिना जाने ना निकाल लें कि ये तो ऐसा ही होगा। नहीं होता, औरतों के साथ तो बहुत करके होता है कि जो औरतें बड़ी बड़ी पोस्ट में होती हैं, ऑफिस में बैठी होती हैं, हम खुद ही औरतें उनको नीचा करती रहती हैं, ये बोल बोल के कि ये तो भैया कहाँ केपेबल है, ज़रूर बॉस के साथ सोई होगी, ज़रूर बॉस के साथ इतना घूमती फिरती है, तो ये तो होना ही है, हर जगह तो प्रेजेंट रहती है, कोई ये नहीं देखेगा कि उसके पीछे शायद उसकी बहुत मेहनत भी हो, हम उसको गलत ही बता देते हैं। ये हम औरतें ही ऐसी हैं, आदमी तो शायद इतना करे भी नहीं, पर औरतें ज़रूर डाउन कर देंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस साल या इस बार हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है और जज नहीं करना है एक दूसरे को, चाहे जो भी हो। और तीसरी चीज़ कि हम जो औरतें हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि हमारे हाथ में बच्चे होते हैं, यानी कल का फ्यूचर हमारे हाथ में है, यानी कल का मतलब फ्यूचर ही कल होता है, तो फ्यूचर हमारे हाथ में है,
तो जो कल की सोसाइटी है उसका निर्माण स्वस्थ, सही और एकदम परफेक्ट हो वो किसके हाथ में? हम औरतों के हाथ में, क्योंकि बच्चे तो हमारे पास है ना, बच्चे तो हमारे अंडर में है। ज्यादा करके घरों में बच्चे माँ के ही साथ होते हैं, माँ को ही समझते हैं, माँ को ही सुनते हैं और माँ को ही पसंद करते हैं। तो फिर जब अगर हमें सोसाइटी आगे की सही बनानी है तो फिर हमें अपने बच्चों को आज से ठीक करना है और उनको ट्रेन करना है, उनको रियलिटीज बतानी है, औरत और आदमी के फर्क को बताना है, उसमें क्या किसके किसके लिए क्या जरूरी है, कैसे रखना चाहिए, कैसे इज्जत करनी चाहिए औरतों की, वो सब सिखाना चाहिए। तो ये भी आज के युग में वुमेन एम्पावरमेंट का एक पार्ट है कि हम इस काम से भी एम्पावर होते हैं, क्योंकि हम अपने आने वाले पीढ़ी को सुधार रहे हैं, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों से वो चीज़ें सब निकाल के बाहर फेंक रहे हैं जिससे हमें शिकायत थी। तो फिर जो हमारे बच्चों की बहुएं आएंगी वो सब तो खुश होंगी ना, क्योंकि जो हम लोगों ने सहा वो उन्हें नहीं सहना पड़ेगा ना। हम वो विशेष साइकिल जो है सास बहू का उसे तोड़ देते हैं और अपब्रिंगिंग सटीक करते हैं बच्चों की। तो वो भी वुमेन एम्पावरमेंट का पार्ट है, बहुत पावरफुल है ये तो। और बहुत जरूरी है कि आज हम ये समझें कि जो खुशी है जीवन की या जो संतोष है जीवन का वो कहाँ है। हम दूसरों में अगर खोजते फिरते हैं तो गलत है, क्योंकि वो तो हमारे ही अंदर है। हम किस चीज से खुश रह सकते हैं, हमें किस चीज से दुख होता है, या वो हमारे अंदर खुद ही होना चाहिए। किसी और को इतना पावर कभी ना दें कि उसके एक्शन से आप पे इतना असर होने लगे कि आप परेशान हो जाओ या आप व्यक्ति जो हो बदल जाओ। तो ये होना नहीं चाहिए। इमोशनल कंट्रोल किसी और को देना ही नहीं चाहिए, वो आपके ही पास होना चाहिए। उससे फायदा क्या होता है कि हर चीज का जो रिएक्शन है वो आपके कंट्रोल में रहता है। नहीं होता, लोग रोड में निकलते, मेरे घर में तो मैंने तो बहुत लोगों को देखा ऐसा करते हुए, रोड रेज तो नहीं बट जैसे रोड पे निकलते हैं, ट्रैफिक में चल रहे हैं, काफी ट्रैफिक है तो कोई बीच में आने की कोशिश करता है तो उसको जोर जोर से गाली देना, किसी ने अगर ठीक से पार्क नहीं किया तो उसको गरियाना कि भैया ये क्या है, पार्किंग में अगर आपकी पार्किंग जहां आप जाना चाहते कोई और घुस गया तो आपने उसको एक गाली दी, चिल्लपो करी। तो इससे क्या होता है ना, जब हम ऐसी एनर्जीज अपने आसपास रखते हैं तो हम हर वक्त गुस्सा रहते हैं, और जब हम गुस्सा रहते हैं तो फिर हर चीज बिगड़ जाती है, जो उसके बाद वाला पल है वो भी बिगड़ जाता है। कि अभी हम गुस्सा हैं तो इसके बाद जो पल है वो भी बिगड़ गया, जो अगर हम खुश हैं तो किसी पल पे कोई होता नहीं फर्क। और ऑफ कोर्स जो केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं उससे आपकी हेल्थ बेटर रहती, वो तो है ही, पर ये बहुत जरूरी है जानना कि ये अगर हम समझ लें कि दुनिया में कोई खराब नहीं है, बस हालात खराब होते हैं, या फिर कि जो आज मैं जिस स्थिति में हूं मैं किसी और को ना ब्लेम करूं कि इसकी वजह से मेरी ये स्थिति है, नहीं, उसकी वजह से नहीं है, वो अपने में खुश है। क्योंकि अगेन हर आदमी का परफेक्शन या हर आदमी का सही अलग होता है। जो मेरे लिए सही है जरूरी नहीं है कि सामने वाले के लिए भी वही सही हो। तो इस चीज के लिए कि हम जो ये जो गटाजुज करते हैं ना घरों में कि भाई मैंने कहा था ना मैं सही थी, यही गलत है, क्योंकि सब अपनी अपनी जगह सही है, तो फिर लड़ाई किस बात की है भाई। हाँ, ये जरूर होता है कई बार कि आपको सारे सही के बारे में डिस्कस करके जो उनमें से सबसे ज्यादा सही है लग रहा है और जिस पे सब अग्री कर रहे हैं उसको हम चूज करते हैं, बट सबका परसेप्शन अपना होता है और सबका परसेप्शन और किसी का परसेप्शन गलत नहीं है। तो सबका अपना सच है, ये मेरा सच, वो तुम्हारा सच। तो फिर हम कैसे इस चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें उस आदमी या उस औरत में बहुत परेशान किया, वो ऐसी बातें करते हैं, वो गलत है बातें। गलत तो कुछ नहीं है ना, उनका सोचना है, ये मेरा सोचना है। तो हम अपनी सोच को ऐसा बनाएं जिससे हमें भी परेशानी ना हो और हमारे आसपास के लोगों को भी परेशानी ना हो। कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप हूं शीतल होए, कहते हैं ना। तो फिर वैसा ही कि जो भी है, जो एक्शन रिएक्शन जो भी है वो हमारे कंट्रोल में है, किसी और के कंट्रोल में नहीं है, तो उस चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठाएं।
तो आप एम्पावर्ड फील करेंगे, क्योंकि आप पे किसी और की वजह से कोई परेशानी नहीं आ पाएगी। क्योंकि हम अपने सोचने के तरीके को थोड़ा अगर बदल लें ना, कि हाफ एम्प्टी ग्लास की जगह हाफ फुल देखना शुरू कर दें, तो भी बहुत प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। हम इसलिए परेशान रहते हैं कि अरे यार प्यास बहुत लगी है, ग्लास तो आधा ही है यहाँ। हाँ, आधा ग्लास है, हो सकता है तुम्हारी पूरी प्यास ना मिटे, लेकिन जो आधा ग्लास है वो जो तुम्हारी मरने जैसी स्थिति है उसमें आपको भयंकर सहारा देगा और आप बच निकलोगे। तो उस आधे भरे ग्लास के बारे में ज्यादा सोचे ना कर कि उस पोर्शन के जो खाली है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं। और दूसरी चीज, जो चीज आपके कंट्रोल में है उसको आप सुधारने की कोशिश करें। कि अगर आपको लगता है कि भाई अगर इसको ऐसे किया जाता तो बेहतर होता, तो करें वैसे। पर जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है उसे एक्सेप्ट कर लें और मूव ऑन कर जाएं, अटक के वहां ना रह जाएं कि अरे ये कैसे हो गया यार, ये कैसे हो गया। अब जैसे फैमिलीज में डेथ्स हैं, अपने बच्चों में परिवार में इस चीज को इनबिल्ट करें कि भाई ये एक जीवन का सत्य है, अंत में सबको जाना है, कोई पहले जाता है कोई लेट जाता है। हाँ, जाने कोई भी जाता है उस पर दुख जरूर होता है, लेकिन इस चीज को रियलाइज करना कि दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ, ये तो होना ही है, तो ये भी एम्पावरिंग है, क्योंकि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहते हैं। अगर हम ये सोचे कोई तो अमर है नहीं ना, अमर होगा भी तो बार नाम से हो सकता है, ऐसे नहीं अमर है कि जिंदा चल रहा है इधर उधर, वैम्पायर्स तो है नहीं हम लोग ना, तो मरना तो सभी को है, तो ये भी एम्पावरिंग, द थॉट इज ऑल्सो वेरी एम्पावरिंग। तो फिर इस वीडियो में मेरे कहने का मतलब यही है कि चलिए जो एम्पावरमेंट है उसकी डेफिनेशन थोड़ी बदल दें और थोड़ा अपने को अंदर से पावरफुल करें और एक दूसरे के लिए खड़े रहें। क्योंकि हम क्या है, चाहते तो हैं कि वुमेन एम्पावर हो जाए, भयंकर एम्पावर्ड हो, लेकिन करते कुछ नहीं है, दूसरे को खींचते ही नीचे, तो वो ना करें। औरतों एक दूसरे के साथ खड़े हों, एक साथ निकल जाएं। वो नहीं है कहानी कि वो कबूतर जाल में फंस जाते हैं तो अलग अलग कोशिश करते हैं, कोई निकल ही नहीं सकता। तो लोग सोचते हैं कि चलो एक काम करते हैं, हम सब साथ में दम लगाते हैं चलने का, उड़ने का। जब वो साथ में करते हैं तो वो जाल को उखाड़ के ले जाते हैं। पावर ऑफ अस है ना, पावर ऑफ वी है, वो आई यू इन सबसे बहुत स्ट्रांग है। वही एक उंगली से आप पुश करें, दो से करें, तीन से, जब मुट्ठी बन जाती है तो कितनी पावरफुल हो जाती है ना। तो फिर औरतें एक दूसरे के लिए खड़ी रहें, एक दूसरे को एम्पावर करें। चलिए, होपफुली कुछ सेंस बनाया होगा, कुछ बात समझ में आई होगी। आप सबको हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। सिया, बाय बाय।